सो हे वेलकम बैक गाइस, हे स्टार्स, क्या कर रहे हो आप सब। सो आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसे जरूर देख लीजिएगा। और इसी बीच मैंने इतना कुछ ज्यादा नहीं किया है, आप मतलब जैसा देख ही पा रहे होंगे, यहाँ पर सिर्फ 3 चेस्ट पड़े हुए हैं और इसमें सारे रिसोर्सेस हैं, और जैसे कि वुड, केन और रॉक, और इसके साथ मतलब स्टोन के साथ फ्लिंट भी अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पर संभाल के रखे हुए हैं। और एक बात, कल रात को मतलब पानी की कमी बहुत ही ज्यादा हो गया था, तो इसी वजह से मैंने मतलब मुझे स्टोव को मतलब बिल्ड करना ही पड़ा। मैं आपको तो बिल्कुल दिखा नहीं सकता क्योंकि उस वक्त मैंने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि स्टोव को बिल्ड करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो स्टोव को आप सिर्फ 20 रॉक्स या फिर आप स्टोन कह सकते हैं इसे, और क्या चाहिए, और 15 वुड, ये बहुत ही ज़्यादा आसानी से आपको मिल जाएंगे स्टोन पिकेक्स और पिकेक्स से। और तो गाइस, आज जैसा मतलब आज हम करने वाले हैं बहुत कुछ, लेकिन आज का हमारा मेन टॉपिक यही रहेगा कि हमें स्टोन मसेट ही बनाना है, और मेरे पास सारे रिक्वायर्ड स्टेप्स तो अब मतलब अभी अवेलेबल हैं। तो अभी गाइस शुरू करते हैं। फ्लिंट चाहिए और रोप चाहिए और वुड चाहिए। तो और एक बात, ज्यादातर प्लेयर्स कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई कहाँ पर जाएंगे वो, मतलब इस जगह से ऊपर कैसे जाएंगे, तो इस वीडियो में हम पूरी तरीके से उसे एक्सप्लेन कर लेंगे। ओके, हो गया। तो यहाँ पर स्टोन मैसेरिटी हम 2 बनाने वाले हैं क्योंकि कभी भी जरूरत पड़ सकता है ये। ओके, तो इसी बीच थोड़ा फ्लिंट कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये क्या हो रहा है, हो गया। ओके, सो गाइस, मैंने आपको बोला था इफ यू हैव एनी डाउट अबाउट दिस गेम देन प्लीज कमेंट मी, लेकिन इतना कुछ अच्छा खासा कमेंट तो नहीं आया, लेकिन एक कमेंट आया था जिसमें बोला गया था कि भाई ऊपर कैसे जाएं। सो आज हम ऊपर जाने वाले। और एक बात, आप चाहते हैं अच्छे क्वालिटी में खेलने के लिए, तो आप सेटिंग्स में जाके यहाँ पर सारे चेंजेस कर सकते हैं, क्वालिटी, ग्राफिक्स और बहुत कुछ है यहाँ पर। HDR ऑप्टिमाइजेशन भी है आपके लिए, जिसको जो पसंद वो मतलब खेल सकता है। और एक बात, आप सोच रहे हैं कि मैंने अच्छा घर अभी तक क्यों नहीं बनाया, क्योंकि मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ। ओके, हो चुका होगा। हाँ गाइस, हो चुका है। सो अभी हम मारने, ओके, हम पूरी तरह से रेडी हैं। सो यहाँ पर सारे चीजें हम वापस रख देते हैं। ओके, यप, हो गया ये चीज। अभी पानी की थोड़ी कमी हो रही है। ओके, हो गया। और खाने के बारे में बाद में सोचेंगे। तो गाइस, अभी बढ़ते हैं उल्फ के तरफ। तो आपको, ओके, ये हर्ब ले लेते हैं यहाँ पर। ओके, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एक रास्ता है, उस पे चढ़ जाइए। और यहाँ पर आपको ये उल्फ मिल जाएंगे। मसेटी से आप अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से इन लोगों को मार सकते हैं, लेकिन अभी देखिए ये अभी टेम हो जाएगा, लेकिन हम इसे टेम नहीं करेंगे। ओ भाई साहब, ओके, ये गया अभी। सो आप इसके अंदर से लूट भी गैदर कर सकते हैं। ओके, हमें अभी एक स्किन चाहिए जो मे बी हमें अभी नहीं मिलने वाला है। सो उधर भी एक उल्फ है, मे बी, मुझे नहीं लगता कि इधर कोई उल्फ होगा। भाई यहाँ पर सिर्फ एक ही उल्फ था, मुझे लगा कि ऊपर 2 उल्फ होंगे। सो और एक बात, आप यहाँ पर रैबिट्स को भी मार सकते हैं, लेकिन
इन्हें यहाँ पर मारना बेवकूफी होगा क्योंकि ये लोग बहुत ही ज्यादा तेज होते हैं, इनको मारने के लिए हमें बो की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अभी ओके, गेम थोड़ा यहाँ पर लैग कर रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर नेटवर्क मतलब ओके, आजा आजा बेटा, ये ले, ये गया। ओ भाई, दोनों तरफ से भाई ये मुझे तकलीफ दे रहा है भाई, इसे मार ही देते हैं। अभी के लिए हम इन लोगों को मार देंगे। फिलहाल के लिए ये हमारे लिए ज्यादा जरूरी है कि इन लोगों को मार देना। बाद में टेम कैसे करना है मैं इसे आपको और एक वीडियो में दिखा दूंगा। सो हमारे पास मीट आ चुका है और बोन भी आ चुका है। तो यहाँ पर से हम पानी का लेवल भी इंक्रीज कर सकते हैं और स्कीन को हम अभी के लिए फिलहाल रखेंगे क्योंकि स्कीन की जरूरत हमें बाद में भी पड़ सकती है बहुत ही अच्छे तरीके से, और सीड्स की भी जरूरत पड़ेगी। अभी के लिए हम सब कुछ संभालने वाले हैं, बाद में देखेंगे कौन हमारे लिए वर्थलेस है और कौन नहीं। तो यहाँ पर हम बहुत कुछ क्राफ्ट करने वाले हैं। गेम इतना लैग क्यों कर रहा है मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ, प्रोसेसिंग के बदौलत में भी हो रहा है। ओके, अभी गेम थोड़ा अच्छा चल रहा है। तो यहाँ पर से हम, ओ भाई साहब, हमारे पास फूड में भी ज्यादा अवेलेबल नहीं है। हमें जानता था उड हमारे पास नहीं है क्योंकि हमें ओके स्टिक चाहिए, रोप चाहिए और प्रिंट चाहिए। स्टिक्स मेरे पास में भी नहीं, हाँ है। इसका ड्यूरेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, हाँ मैं जानता था। तो इसे हम यूज कर लेंगे अभी के लिए। ओके, टूट गया। सो गाइस, जैसे आप मसेटी बनाकर मतलब उसको किल कर सकते हैं। तो आज के लिए गाइस इतना ही रखते हैं क्योंकि मैं इतना बड़ा वीडियो भी नहीं बनाने वाला हूं क्योंकि नहीं तो आप मतलब आपको देखने में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो गाइस अगले वीडियो में हम बहुत कुछ क्राफ्ट करने वाले हैं, जैसे आप देखेंगे कि हम मतलब कौन कौन से रिसोर्सेस आपको चाहिए क्राफ्ट करने के लिए। और एक बात, आपको पानी की कमी हो रही है तो आप स्टोव बना लीजिए, और स्टोव के साथ आप यहाँ पर क्राफ्ट में जाकर कप बना सकते हैं, और कप बनाने के बाद आप डायरेक्टली पानी मतलब पानी में घुस जाइए और वहां पर आप कप से कलेक्ट कर सकते हैं, और कलेक्ट करके यहाँ से डायरेक्टली आप उस डर्टी वाटर को प्योर बना सकते हैं। और मैंने ऐसा ही कलेक्ट किया हुआ है, आप जैसा देख ही रहे हैं। तो गाइस अभी के लिए फिलहाल मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं बाद में।